आईपीएल 2021 की शुरुआत में अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। बीसीसीआई की एजीएम भी हो चुकी है और बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद आईपीएल की हर टीम की स्क्वाड भी तय हो चुकी है। दोस्तों क्योंकि इस साल मिनी ऑक्शन होने वाला है, लगभग सारी टीमों की स्क्वाड हमारे पास कंफर्म नाम आ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम आपको आईपीएल की 8 टीमों की फाइनल स्क्वाड जो कि कंफर्म नाम है 2021 के आईपीएल के लिए हर टीम की तरफ से वो बताने वाले। इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट पर आ रही है, एंड तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक बटन को अभी कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऑल टीम स्क्वाड की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड की। सीएसके की टीम की तरफ से 13 नाम 13 खिलाड़ियों के नाम अभी तक कंफर्म्ड हुए हैं जो कि नीलामी से पहले कंफर्म्ड है कि उनकी स्क्वाड कैसा रहने वाले हैं। नीलामी के बाद दोस्तों हम पार्ट 2 भी बनाएंगे, तो पार्ट 1 में 13 नाम कंफर्म्ड, उनके नाम बता देता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, अमाती रायडू, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, पीयूष चावला, एन जगदीशन, मिचेल सेटनर, सतौल ठाकुर, साई किशोर, उसके अलावा फाफ डुप्लेसिस, वेन ब्रावो और सैम कुर्रन। ये वो नाम है दोस्तों जो 120% कंफर्म्ड है कि 2021 के आईपीएल में भी हमें देखने वाले हैं। आप दोस्तों अगर मेगा ऑक्शन होता, बड़ी नीलामी होती, तो इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स बड़ी नीलामी में चले जाते हैं और इस पर मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं कि अगर मेगा ऑक्शन होगा तो कौन कौन से खिलाड़ियों को सीएसके बाहर करेगी। लेकिन अब क्योंकि बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि मिनी ऑक्शन है, इसलिए मोस्टली नाम 13 ये जो खिलाड़ियों के नाम है ये इसकी स्क्वाड का हिस्सा, चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड का हिस्सा रहने वाला है। सीएसके की टीम के बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली की टीम के। लेकिन उससे पहले एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास भी मौका है ₹1500 इंस्टेंटली सिर्फ एक क्लिक में कमाने का। दोस्तों डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए माय इलेवन सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे यहाँ पर अपने पहला पैसा आप डिपॉजिट करेंगे तो इस ऐप की तरफ से ₹1500 फ्री में मिल जाएंगे, 20% का स्पेशल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। बड़ी चीज यह है कि दादा शेन वॉटसन और राशिद खान ने यहाँ पर अपनी टीम बनाई हुई है और भाई ये जो क्रिकेट का कार्निवल है ना भारत में, ये फिर से सजने वाला है। T20 क्रिकेट का मेला फिर लगने वाला है और आपके पास मौका है हर मैच में धमाकेदार प्राइस कमाने का, क्योंकि अगर आप इनमें से किसी को भी हराएंगे, चाहे दादा हो चाहे राशिद खान हो, तो आपको अपने जीते हुए अमाउंट का डबल ट्रिपल अमाउंट मिलने वाला है वापस, कमाई बहुत होगी। तो आपसे तो एक ही चीज बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स खोलिए, माय इलेवन सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड की। तो यहाँ पर दोस्तों 14 खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं। नामों की बात करें तो श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, ईशान शर्मा, गगिसो रबाडा, कीमो पॉल, पृथ्वी शॉ, रविचंद्रन अश्विन, ऋषभ पंत, शिखर धवन, शिमरन हेटमायर, तुषार देशपांडे और मार्कस स्टोइनिस इनकी टीम की तरफ से रहेंगे। दिल्ली पहले ही कंफर्म कर चुकी थी कि अगर मेगा ऑक्शन होगा तो वो भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन करेंगे क्योंकि यही इनकी ताकत है। लेकिन अब दिल्ली को फायदा हो गया भाई और दिल्ली के फैंस को भी फायदा हो गया क्योंकि मोस्टली प्लेयर्स ये लोग अपने पास रख पाएंगे और बस कुछ ही प्लेयर्स नीलामी का हिस्सा ये लोग भेजेंगे जिसमें से कुछ बड़े नाम भी रहने वाले हैं। तो दिल्ली की स्क्वाड आपको कैसे लगी अभी नीलामी के पहले तक, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ नीलामी के बाद एक और स्पेशल वीडियो आएगी जिसमें बाकी खिलाड़ियों के नाम भी ऐड हो जाएंगे, ये कंफर्म नेम थे, कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। बात करते हैं दिल्ली के बाद किंग्स इलेवन पंजाब की स्क्वाड की। तो यहाँ पर 15 सदस्य स्क्वाड अभी तक कंफर्म्ड हुई है। नामों की बात करें तो केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं, उनके अलावा ईशान पोरेल है, मनदीप सिंह है, क्रिस जॉर्डन है, करुण नायर है, दीपक हुड्डा है, रवि बिश्नोई है, अमृत सिंह है, मुजीबुर रहमान है, सरफराज खान, मयंक अग्रवाल, मोहम्मद शमी, निकोलस पूरन, क्रिस गेल और दोस्तों मुरुगन अश्विन यहाँ पर इनकी टीम का हिस्सा है। अब बड़े नाम कहाँ गए हैं, ग्लेन मैक्सवेल कहाँ है, शेल्डन कॉट्रियल कहाँ है, तो दोस्तों ये लोग नीलामी का हिस्सा हो सकते हैं क्योंकि इनकी प्राइसेस ज्यादा है और पंजाब चाहेगी कि कम कीमत पर इन्हें खरीदे। तो फ्रेंकली टोल्ड अभी हमने इन्हें ऑक्शन में ही ऐड किया है, अभी हमने इन्हें स्क्वाड में ऐड नहीं किया है। अब कंफर्मेशन आता है तो आपको बता देंगे, लेकिन अभी तक स्क्वाड में ऐड नहीं किया क्योंकि चांसेस इनके ज्यादा है नीलामी में जाएंगे, इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा है। चलिए दोस्तों पंजाब के बाद अब बात कर लेते हैं ऑल टीम स्क्वाड में चौथी टीम की और अब बात करेंगे केकेआर की टीम की। केकेआर चाहता था दोस्तों कि मेगा ऑक्शन हो जाए क्योंकि केकेआर को थोड़ी सी रीबिल्डिंग करनी थी, लेकिन 15 खिलाड़ी अभी भी कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड नाम है जो कि केकेआर का हिस्सा होंगे। सबसे पहले कप्तान रोहित मॉर्गन, शिवम मावी रहेंगे, कुलदीप यादव, सुनील नरेन, एंड्रयू रसल, लॉकी फर्ग्यूसन, प्रशित कृष्णा, शुभमन गिल, नीतीश राणा, सुदेश लट, टिम साइफर्ट, कमलेश नागरकोटी, वरुण चक्रवर्ती, टॉम बेंटन और राहुल त्रिपाठी।
तो ये प्लेयर्स 15 खिलाड़ी कंफर्म्ड है केकेआर की तरफ से। कप्तान वेन मॉर्गन है, दिनेश कार्तिक का नाम नहीं है जो रिपोर्ट हम पहले भी बोल रहे थे। या तो ट्रेड हो सकते हैं दिनेश कार्तिक, या चांसेस है कि दिनेश कार्तिक हमें नीलामी में दिखे, तो इसलिए हमने केकेआर की टीम में इनका नाम नहीं डाला है। हालांकि बाद में होगा तो हम डाल देंगे, सेकंड लिस्ट भी आएगी, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में जो 15 स्क्वाड के नाम कंफर्म आ रहे हैं उसमें अभी दिनेश कार्तिक की रिपोर्ट नहीं है। बाकी तो आप टेलीग्राम पर जुड़े ही हैं, टेलीग्राम पर जाइए, रियल एमसीबी को सर्च कीजिए भाई, 35-36 हजार हमारे फॉलोअर्स है, हिस्सा बन जाइए कम्युनिटी का। वहां पर हम एक एक खबर आईपीएल 2021 की स्पेशली देते रहते हैं, तो उस कम्युनिटी को भी ज्वाइन करिए, उसकी भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी। केकेआर की टीम के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। अब मुंबई इंडियंस की टीम के लिए राह बहुत आसान हो गई है। पहले से मुंबई के मालिक बोल रहे थे कि भाई मिनी ऑक्शन होना चाहिए, क्योंकि इनकी टीम बहुत तगड़ी थी और ये चाहते नहीं थे कि अपना बैलेंस बिगाड़ जाए। वैसे ही हो रहा है, इनका बैलेंस बिगड़ा नहीं है और 15 नाम इनके भी कंफर्म हो गए। नामों की बात करें तो रोहित शर्मा है, आदित्य तरे है, अनुकूल रॉय है, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, कारण पोलार्ड, कृणाल पंड्या, क्विंटन डी कॉक भी अभी ये रिटेन कर पाएंगे। उसके अलावा राहुल चहल, सूर्य कुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, नैथन फुल्टन नाइट, सौरभ तिवारी और जेम्स पैटिंसन, ये कंफर्म्ड नेम है जो इनके साथ जुड़े रहने वाले। कुछ खिलाड़ियों को इन्होंने मौका ही नहीं दिया था जिनको ये लोग नीलामी में डालेंगे, और नीलामी में कुछ नए खिलाड़ियों की तरफ भी देखेंगे। क्या श्रीशंत के पीछे ये लोग जाएंगे नीलामी में, ये एक सवाल है, क्योंकि वो बाद में हमें पता लगेगा जब नीलामी होगी। लेकिन अभी ये स्क्वाड रहने वाली है मुंबई की, स्क्वाड आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुंबई वो पहली टीम थी जिन्होंने मेगा ऑक्शन का विरोध किया था, मेगा ऑक्शन नहीं हो रहा है। मुंबई इंडियंस की टीम के बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। अब राजस्थान रॉयल्स दोस्तों पहले से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी थी, क्योंकि ये विदेशी खिलाड़ी पर डिपेंड होता है। अभी तक 5 फॉरेन प्लेयर रूल पर कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, लेकिन 14 प्लेयर्स के नाम इनकी स्क्वाड में कंफर्म है, क्योंकि मेगा ऑक्शन नहीं हो रहा है। नामों की बात करें तो स्टीव स्मिथ, जो कि कप्तानी फॉर श्योर कर सकते हैं, उनके अलावा दोस्तों बेन स्टोक्स, संजू सैमसन, कार्तिक त्यागी, श्रेयस गोपाल, राहुल तेवटिया, मयंक मार्कंडे, महिपाल लोमरोल, ओशन थॉमस, श्रेयस परागे, शशि जायसवाल, जोफ्रा आर्चर, डेविड मिलर और दोस्तों जॉर्ज बटलर इनके साथ रहने वाले। हो सकता है डेविड मिलर को ना रखे, अभी कंफर्मेशन आ रही है तो हमने दे दी, लेकिन हम इनका नाम हटा भी सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स राजस्थान के साथ रहने वाले हैं। सबसे बड़ा नाम रॉबिन उथप्पा, इनके साथ हमें नहीं दिखेंगे, फॉर श्योर कंफर्म न्यूज है, रॉबिन उथप्पा नीलामी का हिस्सा होने वाले हैं, 100% न्यूज है, लिख कर रख लीजिए, क्योंकि राजस्थान ने बहुत भुगत लिया है रॉबिन उथप्पा को पिछले सीजन में। अगर आपने आईपीएल देखा होगा तो आपको पता होगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आरसीबी की टीम की। आरसीबी की तरफ से मिक्स्ड एक्सपीरियंस आया, आरसीबी के फैंस बोल रहे थे होना चाहिए मेगा ऑक्शन, इनके कोच बोल रहे थे कि हम रीबिल्ड करेंगे, लेकिन अब नहीं हो रहा है, अब तो मिनी ऑक्शन हो रहा है। कप्तान साहब तो विराट कोहली है और 14 इनके स्क्वाड के कंफर्म भी हो गए। इनके नाम है दोस्तों विराट कोहली, मोहम्मद शिराज, क्रिस मॉरिस, एरन फिंच, एबी डिविलियर्स, उसके अलावा एस अहमद, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, सुरुडाना, देवदत्त पड्डीकल, शिवम दुबे, उमेश यादव, वॉशिंगटन सुंदर और एडम जैम्पा, ये 14 नेम्स कंफर्म्ड है जो कि हमें आरसीबी की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। कई बड़े नाम नीलामी में भी जाएंगे। अब क्रिस मॉरिस की प्राइस ज्यादा है, लेकिन आरसीबी चाहेगी कि नहीं वो नीलामी में जाए, क्योंकि एक एक मीडिएटर का रोल, बीच में सपोर्ट का रोल, बैलेंस का रोल टीम के लिए करते हैं। लेकिन आरसीबी के लिए ये 14 नाम जो अभी तक आप देख पा रहे होंगे, ऑल दो कंफर्म्ड है कि ये लोग खेलते हुए स्क्वाड में नजर आएंगे, बाकी फिर नीलामी के बाद। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एसआरएच की टीम की। जरूर बताइए कमेंट में आरसीबी की स्क्वाड कैसी लगी आपको। लेकिन अगर हम एसआरएच की बात करें तो कप्तान डेविड वार्नर रहेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इनकी स्क्वाड में भी कोई चेंज नहीं है, बिकॉज को पता है कि मिनी ऑक्शन हो रहा है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं दोस्तों, डेविड वार्नर, राशिद खान, रिद्धिमान शाह, खलील अहमद, संदीप शर्मा, अब्दुल समद, मोहम्मद नबी बहुत बड़ा नाम है, क्यों है बताएंगे आगे, अंकित शर्मा, जेसन होल्डर, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, केन विलियमसन भी रहेंगे रिटेन। उसके अलावा दोस्तों शहबाज नदीम, जॉनी बेस्टो, मनीष पांडे और प्रियम गर्ग, ये टीम इनकी रहने वाली है। विजय शंकर को ये लोग बाहर कर सकते हैं, केन विलियमसन को ये लोग रिटेन करने वाले हैं। 5 फॉरेन प्लेयर रूल आ सकता है, बहुत जल्दी इस पर फैसला होगा, और इसीलिए अभी हमने मोहम्मद नबी को इनकी स्क्वाड का हिस्सा रखा है, क्योंकि अगर 5 फॉरेन प्लेयर रूल आ गया तो एसआरएच जैसी टीम है, राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम, इनको बहुत फायदा होने वाला है, और इसीलिए एसआरएच की टीम में मोहम्मद नबी फिर से बैठे हुए दिख सकते हैं और फिर स्क्वाड का हिस्सा। आप में से बहुत सारे लोग सोचोगे यार इनमें से बहुत सारे खिलाड़ियों को तो मैंने रिलीज कर दिया था, लेकिन दोस्तों उस समय कंडीशन अलग थी, क्योंकि पहले हम बात कर रहे थे कि मेगा ऑक्शन होगा,
समझ रहे हैं ना बात को, अब होगा मिनी ऑक्शन। और ये जो सारी स्क्वाड्स हमने आपको बताई, ऑल टीम स्क्वाड्स जो हमने आपको बताई है, ये मिनी ऑक्शन के हवाले से, छोटी नीलामी कैसे होगी उस हवाले से बताई है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कौन सी टीम की स्क्वाड अभी लग रही है सबसे बेहतर। आईपीएल 2021 में अभी समय है, लेकिन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, समय का पता लगता नहीं है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, माय इलेवन सर्कल पर अपना अकाउंट जरूर बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।